I would like to introduce. I would like to introduce. आज हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर से देखिएगा भाई, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। आज हम समझेंगे सही तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा, देखिए आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हम चार्ज, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, देखिए जो फील्ड एक वर्ड है, ये आप यहाँ पर नोट करिएगा कि ये फील्ड वर्ड फैराडे ने दिया था, फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, कि एक चार्ज होता है जो अपने चारों तरफ एक सेम रेडियस में, सही है, अपने चारों तरफ एंड इक्वल इन रेडियस फ्रॉम ऑल द साइड्स मेक ए रीजन वेयर ए टेस्ट चार्ज और एनी अदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो दैट रीजन इज नोन एज फील्ड एंड इट इज ड्यू टू चार्ज, सो इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन शॉर्ट हम यहाँ से ये जान पाए कि एक चार्ज अपने चारों तरफ जो चीज़ पैदा करता है उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दर्जा दे दिया, हमने वो नाम दे दिया। अब ये जो होगा ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल डेंस होगा, मतलब कोई भी जगह इसकी खाली नहीं होगी, बिल्कुल 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 खूब भरा हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल टोटली डेंस होगा, ये कुछ भी खाली नहीं होगा। इसीलिए इसमें जो हम सरफेस एरिया लगाते हैं वो स्फीयर वाला लगाते हैं। अगर कहीं बुक में ये ना लिखा हो कि ये एक स्फीयर बनाता है, तो इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। वो प्रूफ मैं ये देता हूँ कि हम इसका एरिया 4πr² लगाते, सरफेस एरिया, इट इज प्रूफ। डीपली जाइए बुक्स के अंदर, हो सकता है हर चीज हर इंसान के हाथ में ना आए, तो उसके लिए हम जैसे लोग हैं ना, तो हमें तो क्या समझ में आया, अब ये आर वही है जो मैंने यहां पर लिखी है। तो कैसे लिखना है, अब यहीं पर आपको एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, जहां से फील्ड पैदा हो रहा है उसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, कि चाहे आप उस पर कैपिटल क्यू लिख लो या विदाउट जीरो वाला क्यू लिख लो, देट विल बी नोन एज सोर्स चार्ज। यहां पर एक बात और नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनता है जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो। तो क्या बात समझ में आ रही है, अब हाँ ये टेस्ट चार्ज, अब इस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है क्यू नोट टेस्ट चार्ज, देखिए हमने लिखा क्यू नोट मतलब जीरो, क्यू जीरो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, मतलब ये किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं लेकिन हमारे प्रैक्टिकल के काम में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आप क्या समझने जा रहे हैं कि जब हम किसी सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और वो उस पर कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो हम इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वहां पर कोई फोर्स है उसके फील्ड के अंदर। तो यानी कि देखिए हमने इस क्यू को इससे चिपका कर तो रखा नहीं है, मतलब क्यू इज नॉट कनेक्टेड विद क्यू नॉट, सोर्स चार्ज इज नॉट कनेक्टेड विद टेस्ट चार्ज, तो हमने तो दूर रखा हुआ है ना इसके फील्ड के आसपास में, ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल शो एनी एक्सपीरियंस। इसी चीज का हमें जांचना है। तो क्या बात समझ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां पर एक टेस्ट चार्ज कोई फोर्स महसूस करता है। तो समझ गए, अब फोर्स रिपल्सन
या अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ना। तो इन शॉर्ट ये हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड इट्सेल्फ दैट प्रोड्यूस चार्ज, दैट चार्ज प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस चार्ज से ये लाइंस निकल रही है तो ये अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी होगी, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी होगी। जितना पावर का आप चार्ज लोगे उतनी दूर तक फील्ड बनता है। लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? ये जो ऐसे पैदा हो रहा है मतलब कितनी जल्दी ये कहां पहुंच जाएगा? तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जो चार्ज से निकलती हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से निकलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से निकलती हैं। यानी कि इस स्पीड से फील्ड चार्ज के अंदर से निकलकर भागता है। क्लियर? आप यहां पर नोट कर लीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी, मैं बोल रहा हूं। ये तो आपने नोट कर ही लिया, अब आगे लिखिए। ए रीजन, जैसे कि आपने लिखा है, ए रीजन वेयर ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट चार्ज व्हिच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करिए, दैट चार्ज व्हिच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाला बड़ा वाला जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स चार्ज। एंड व्हिच चार्ज वी यूज फॉर टेस्टिंग, दैट इज क्यू नॉट, दैट इज टेस्ट चार्ज। By convention, this test charge is considered positive. याद रखना, कभी पूछ ले कहीं भी कि test charge को हम क्या मानते हैं, positive या negative? तो मैंने बोला by convention. Convention का मतलब क्यों होता है कि दुनिया के सभी scientist या अच्छे philosopher या अच्छे researcher या अच्छे reader जिस बात पर एक राय हो, unanimous, उसको हम कन्वेंशन में मानते हैं। और ऐसे ही नहीं कि मान लो, मतलब एज ए प्रैक्टिकल एज ए प्रूफ सब होता है वो यार। ऐसे थोड़ी है कि मुझे आप मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति मान लो। और ये अमाउंट में बहुत कम होगा, यानी कि बाय, अब लिखिए आगे कि बाय कन्वेंशन दिस टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड वेरी लेस इन अमाउंट। कितना लेस? इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ऐसी अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिए, एक ही बात है, वर्ड सेम। इंटेंसिटी का मीनिंग वही हुआ ना कि कहां तक उसकी पावर है, और फील्ड का मतलब भी वही हुआ कि कहां तक ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। सबसे बेहतरीन पॉइंट तो आपको ये नोट करना है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, हम ऐसा भी मान लेते हैं, और हां इसकी डायरेक्शन वही होगी जिधर फोर्स की हो। इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity whose direction is same as that of force. जिधर force उधर electric field। भाई push कर रहा है आगे को, तो force आगे की तो मार रहा है यार, general बात है ना। वो ऐसा थोड़ी नहीं है कि force उधर को लगा रहा है, लेकिन वो तो attraction, पुलिशन, जो भी है, मतलब अगर test charge positive है तो बाहर की तरफ definitely उसकी क्या होनी चाहिए, direction होनी चाहिए। मान लो कि एक टेस्ट चार्ज है जो अपने ऊपर एक फोर्स महसूस कर रहा है, F, फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, सपोज ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स F, मतलब टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसको अपने ऊपर फोर्स महसूस हो रहा है। कहां पर भाई? रीजन के अंदर। तो व्हाट इज, हम बोल देंगे ना यार, यानी कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने दिया वो फोर्स?
इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसीलिए तो हमको बोलना है। यहां से आप इसकी यूनिट बना सकते हो, एफ फॉर फोर्स न्यूटन एंड क्यू फॉर कूलम्ब, बस यूनिट। हाँ, अभी ये कुछ बातें हैं जो अभी और आपको ध्यान रखनी है। वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, लेकिन वो दूसरी जगह हम यूज कर बताऊंगा, अभी यहां से अच्छा नहीं लगता, बट बोल सकते हैं, हमें कोई बात नहीं है। क्यू नोट की वैल्यू किस लिए कम होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, व्हाई द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी लेस इन अमाउंट, बिकॉज कि ये हमारे प्रैक्टिकल में कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं हम धोखे में ना रह जाएं। अब तो भाई धोखे का जमाना खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया जी फिजिक्स बने हुए, अब तो आप लोगों को बोर्ड की या कंपटीशन के लिए बात बताई जा रही है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि मतलब क्या वैल्यू, क्या लिमिट हो दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो फोर्स अपॉन क्यू। देखिए मैं टॉपिक बनाता हूं बहुत बारीक लेवल पर, बहुत गहरे लेवल पर, थ्योरेटिकल लेवल पर तो बात आप खुद ही समझ जाएंगे जब मैं आपको इतना बताऊंगा तो, ठीक है ना। हालांकि लिमिट लगाने से मेरा कोई मकसद नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्यों लगाई? क्योंकि जितना मैंने सुबह अभी तक बोला है आपसे कि टेस्ट चार्ज की लिमिट बहुत कम होनी चाहिए, सो मतलब उसकी जो अमाउंट है वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ये, लिमिट टेस्ट चार्ज टेस्ट जीरो, ठीक है ना। आप देखिए इसकी जैसे मैंने बताया न्यूटन पर कूलम्ब, इसकी न्यूटन को डाइन में बदलते हैं ना, कहाँ पर? सीजीएस में, ये एसआरई हम यूनिट, फिर मैं कन्वेंशनली बोल रहा हूँ, बाई कन्वेंशनली वी यूज ऑल द यूनिट्स इन एसआरई बिकॉज एसआरई इज द इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आप सीजीएस में जाएं, भाई जरूरत भी वैसे क्या है सीजीएस की, लेकिन आप क्या पता कहीं कंपटीशन में फंस जाओ, तो इसकी जो यूनिट होगी डाइन पर स्टेटिक कूलम्ब, डाइन पर स्टेटिक कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सीजीएस, क्लियर। अब आप नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी चीज है, जितना अच्छे से समझ लो आज भी समझ लो, मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा बहुत मजा आने वाला है। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अभी देखिए ना ये फील्ड फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है, नोट करिए, चिपक के थोड़ी ना मारता है, वहीं पे जाके थोड़ी ना मार के आ रहा है, वो तो दूर से शुम, शुम। पॉइंट नंबर टू नोट करिए, फील्ड फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, भाई ये फील्ड फोर्स है तो इसको कॉन्टेक्ट की तो जरूरत है नहीं। और बहुत बड़ी बात मैं अब बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात, क्या हो सकता है कोई मुझे गलत बोल दे, लेकिन भाई मैंने भी किताबों से जूस निकाला है, इसलिए मुझे गलत बोल लो कोई बात नहीं है, बट बुक्स के अंदर ढूंढो, पहले नेट पे ढूंढो, गूगल इज द मतलब क्या कहना चाहिए, मास्टर माइंड यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए फोर्स, आज तेरी तो क्या बोल दिया निसार ने, सही बोल दिया, क्यों? अब भाई ये तो फोर्स को खुद नापता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, इसका भी प्रूफ दे दूंगा मैं अभी, अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। क्या लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए फोर्स बट इट इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, क्लियर। अब यूनिट और डायमेंशन, वो यूनिट मैंने बता दी थी, चार पॉइंट ये लिख देना जो मैंने बोला है, और अगले एक पॉइंट वो लिख लो यार। चलो अगर मान लो कोई टेस्ट चार्ज है, इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो मतलब हमें समझ गए कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर वो फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता तो ये बात भी समझ लो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। हम टेस्ट चार्ज रखते क्यों है, टेस्ट करने के लिए, अब टेस्ट चार्ज पर कोई एक्टिविटी आ नहीं रही तो इट इज डेफिनेट कि वहां पर टेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताई दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इस स्फेरिकली सिमेट्रिक, इस स्फेरिकली, भाई मैंने बोला था ना स्फीयर बनाता है,
स्फेरिकली, ठीक है, एंड सिमेट्रिक, यानी कि सेम, सिमेट्रिक 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 सिमेट्रिक, एक जैसा, सेम। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। एक चीज होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये भी नोट कर दीजिए, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समझ लिया आपने, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे होता है, बट व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आप जल्दी से लिख लो, बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच हैव सेम स्ट्रेंथ, व्हिच हैव सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, व्हिच हैव सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन दैट रीजन वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। तो यूनिफॉर्म तो तभी बनेगा ना जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो देन हाउ कैन यू कंक्लूड दैट देयर इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं कि कहीं पर भी आपने इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम बोल देंगे कि सबके देखिए डायरेक्शन भी सेम है, कहीं भी बना दो यार उससे कोई मतलब नहीं, बात समझा नहीं दी लो, ठीक है, और इंटेंसिटी स्ट्रेंथ भी सेम हो, यानी कि जो इस पॉइंट पर हो वही इस पॉइंट पर हो, वही इस पॉइंट पर हो, वही यहां हो, वही यहां हो, वही यहां हो, वही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर इस पर आप एरो लगा दीजिए, एरो क्यों लगाते हैं किसी भी सिंबल पर? वेक्टर की वजह से, दैट इज वेक्टर, वेक्टर को लिखने का एक तरीका है, वेक्टर मतलब एरो एक खुद भी एक ग्राफ है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में जाइए और नहीं गए तो भाई मैं अभी आने वाला हूँ कुछ टाइम के बाद फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, फिर वहाँ पर थोड़े से, बट इंटर को मैं इसलिए यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि इंटर के बाद जो है लड़के कंपटीशन वगैरह में जाते हैं। तो बात मेरी समझ में आ रही भाई? अब आगे जो है आप सिग्निफिकेंस लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया होगा मस्त तरीके से। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो मैं अभी पॉइंट चार्ज में बात करने वाला हूँ आगे, उसको यहीं पर ही मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर जो हम एक फोर्स लगाते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज भी हो जाता है। मान लीजिए कि जब आप इसके रीजन के अंदर टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो पॉजिटिव होने से ये तो बाहर को फेंक दे रहा है, इसको बाहर को फेंक दे रहा है, ये नहीं कि फील्ड बाहर जा रहा है, फील्ड तो यहाँ खत्म हो गया ना। अब यहां पर टेस्ट चार्ज रखा तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्यों? दैट इज आउट ऑफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात समझ में आ गई कि टेस्ट चार्ज पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। पहला सिग्निफिकेंट तो ये बना, तो आप कैसे लिखेंगे? लिखिए द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is different at different points, so electric field varies, change होता है, varies from point to point, clear? दूसरा point आप इसका ये भी note करिए, in general electric field is not a single vector but a set of infinite vectors, कैसे भाई? ये एक ही तरफ थोड़ी ना लग रहा है, तो भाई टेस्ट चार्ज यही थोड़ी ना रखना, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, तो मतलब ये इनफाइनाइट वेक्टर्स का कलेक्शन होता है। बेहतर बात आ रही समझ में? इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जिस्ट इट्स इफेक्ट इन इट्सेल्फ, अपने आप में ही इसका इफेक्ट होगा, क्लियर? नोट करिए अगला पॉइंट, इफ देयर इज नॉट प्रेजेंट एनी अदर चार्ज
for experience या to experience its field or force, तो क्या मतलब, क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? ये नहीं कह सकते आप भाई। बताओ, जब जांचने वाला आदमी नहीं है तो हम कैसे कहें कि वहां पर कोई है या नहीं? लेकिन ये तो है ना, आगे लिख लो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। भाई ऐसे समझ लो ना, आप किसी के घर नहीं गए और आपने उसके घर पे कोई एक्टिविटी भी नहीं देखी, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अंदर कोई रहता ही नहीं हो? आप जाएंगे तभी तो चेक करके आएंगे कि है नहीं है नहीं है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो हम नहीं कह सकते जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे। और मैंने आप वो जो बताया था शुरू में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भागता कितनी स्पीड से, वो भी यहीं टपका देना यार सिग्निफिकेंस में। तो क्या लिखना है, आगे बढ़ने वाली चीज को प्रोपेगेट बोलते ना, जैसे बीड़ी का धुआं निकला फुर कैसे बढ़ रहा है, वो प्रोपेगेशन ही तो हो रहा है। ओ भाई, जैसे टॉर्च से लाइट मार रहे हैं, प्रोपेगेट ही तो होती है। तो प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो क्या है सब जानते हो तुम यार, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब यहां पर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, कंपटीशन पर्पस से बहुत अच्छी है। देखिए, अगर टेस्ट चार्ज से सॉर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और हमने माना कि वो आर डिस्टेंस दूर जा रहा है, हमने कहीं टेस्ट चार्ज यहां रख दिया, तो हमको ये देखना है कि यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो कुछ नहीं भाई, टाइम का फार्मूला लगा लो। व्हाट इज द टाइम का फार्मूला? बट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यार क्या है, यहां तक मान लो पहुंचा, इतनी डिस्टेंस मान लिया कि यहां तक आर थी या यहां आर वन हो गई, कुछ भी हो गई, चलो मैं ऐसी मान लेता हूं, ठीक है। तो ये अब उसने आर डिस्टेंस कंप्लीट की, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ये है। यहां पर स्टूडेंट अटकते हैं, जब वो पूछता है ना कि इतना चार्ज था और इतने सेकंड में वो वहां पहुंचा, तो क्या उसकी डिस्टेंस रही होगी? अब बनता ही सोचता है कि स्पीड कहां है, वो स्पीड छुपा जाता है। तो ये प्रॉब्लम है यार, अभी तक ना हर बुक्स में मैंने देखा भी नहीं है कि ये इसका स्पीड का चक्कर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बहुत एक बंदे की बुक में देखा है मैंने, बहुत अच्छा बंदा है वो, बता दूं बेचारे की किताब भी नहीं चलती इतनी यार, नहीं बता रहा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ऐसे ऐसे निकाल, बंदे की किताब ज्यादा मार्केट में मशहूर नहीं है, चलती नहीं है, बाई चांस मैंने भी खरीद रखी थी, बाई चांस मैंने कहा यार एक नया राइटर आया मार्केट में, 2 साल हुए बंदे को आए, बट मैंने खरीदी थी वो। तो वहां से मुझे भी यार वहीं से पता चला यार, मैं क्या झूठ आपसे बोलूं, आई एम नॉट ए कंप्लीट मास्टर, मैं भी बस जुगाड़ पानी कर करके लोगों से सीख रहा हूँ यार। ओके, वेरी नाइस। आप सबसे अच्छा पॉइंट नोट करिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, बहुत अच्छे से जल्दी से आ जाइए। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज लिख दो, टेस्ट चार्ज लिख दो, क्या हो रहा है यार भाई, वो बताओ। सोर्स चार्ज है, अपना फील्ड निकालेगा, मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया देखने के लिए, वो डिस्टेंस दूर हो गया, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। भाई जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पॉइंट चार्ज पे, कुछ नहीं करना, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दो रख दो। इज इट क्लियर? मजे आ रहे हैं ना, आर यू टेकिंग एंजॉय? लेते रहो। तो भाई इस बंदे ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू किया, ये नहीं मानने का है, चार्ज अगर जहां पर भी फील्ड वहां तुरंत है। तो आप देखिए, पहले तो हम ना कोलहाम के पास चलते हैं, कोलहामला में चलते हैं, ठीक है ना, मजे का आदमी है। आपको क्या लिखना है, थ्योरी वोरी लिखनी है, लिख दो क्यू इस सोर्स चार्ज, सही है, ऐसे सोर्स चार्ज लिख दो, क्यू नॉट लिख दो टेस्ट चार्ज, ठीक है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, क्लियर, ऐसे लिख दे। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जल्दी बोलो,
अब यार चार्जेस के बीच में फोर्स तो हमारे कोलाम भाई का ही लगता है वो ये वाला यार 1/4πε9 दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई अपॉन। और यार ऐसा भी हो सकता है किसी ने मेरी चार्ज की वो कोलामला की वीडियो ना देखी हो, देख लेना भाई, बड़े मस्त तरीके से समझाया है। ठीक है तो ये तो भाई फोर्स लगना है। मैं बोल नहीं रहा हूँ फोर्स मारेगा टेस्ट चार्ज पे, तो क्या फोर्स मारेगा, ये तो मारेगा कोलाम से बाहर थोड़ी चला जाएगा वो। चलिए और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका खुद का कितना निकलेगा, एंट इलेक्ट्रिक फील्ड एफ अपॉन क्यू नो भाई ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता, तो यानी कि इस फार्मूले में जो ये एफ आया है ये कूलम फोर्स ही तो है, तो ये वाला फोर्स इसमें ना रख दें। तो देखो फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो मत मानो, आपका इरादा जैसे भी सोल्व करने का हो, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन सेकंड कुछ भी लिखते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ की जगह ये बंदा आया हुआ है मार्केट में, सही है क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने एफ की जगह लिख दिया, अबे आर स्क्वायर बढ़िया से बना लियो रे, और क्यू नॉट ये क्या देख रहे हैं आप, अबे कुछ मत देखो ये कट गया, तो व्हाट बचा, ये दिस इज बचा क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, या जल्दी याद कर लो वोल्ट पर मीटर क्यूब। वाह वाह, एक बार ना पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, अब मैंने ना स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन न्यूटन पर कूलम, एक स्टूडेंट ने यहाँ पर अटक गया वोल्ट पर मीटर में, बोले तुमने नहीं पढ़ाया, अब बताया तो था लेकिन ये हुआ कि तुम जल्दबाजी में समझ नहीं पाए, तो अब मैं जोर दे रहा हूँ यार कहीं ऐसे ही ना हो किसी के साथ। तो समझ में आ गया, ये पॉइंट चार्ज होता बहुत बड़ा रोल है इसका, वो सॉरी पॉइंट चार्ज कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज क्या होता है, बंडल ऑफ सेम चार्जेस। ओके तो देखिए आप इसको न्यूमेरिकली